आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने 30 नेताओं की सूची जारी की है, जो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक का काम करेंगे। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी का होने के बावजूद भी केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। बता दें कि अजय मिश्र टेनी लखीमपुर कांड के बाद विवादों में घिर गए हैं। इसी के चलते अब बीजेपी की लिस्ट में आने के बाद यह साफ दिख रहा है, भाजपा भले ही इस्तीफा ना ले रही है पर वह उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, पहले भी जिस तरह से मोदी का चेहरा स्टार प्रचारकों में रहा है और कहा जाता रहा है कि मोदी के चेहरे पे ही भाजपा इलेक्शन जुड़ती है, और ये कहा भी गया है कि केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी, तो क्या इस बार फिर यही होने वाला है? इस बार का पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। देखिए दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, और चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, पर उत्तर प्रदेश चुनाव को हमेशा से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता की कुर्सी कुंजी भी वहीं से मिलती है। अगर उत्तर प्रदेश में आप सत्ता में आ जाते हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ आपको लोकसभा चुनाव में मिलता है, जैसा कि हमने देखा भी है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी थी, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है दोबारा आ गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है, जिस तरह से लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हमें लगातार दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सौगात भी दी थी, चाहे कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात करें, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें, तो समय समय पर यहाँ आते हैं। अभी हाल में उन्होंने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण भी उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से हमेशा सक्रिय रहे, चूंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से प्रचारक की लिस्ट जारी हुई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो पहले पर होना ही चाहिए था, क्योंकि वो उन्हीं लगभग देखा जा रहा है कि जितने भी चुनाव अब तक उनके राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद हुए हैं, उन सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव भी उनकी भूमिका में देखा जाएगा। पर जिस तरह से उनके नाम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, तमाम ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं और उत्तर प्रदेश में खासी लोकप्रियता रखते हैं, उनको भी शामिल किया गया। और साथ ही साथ मुझे मुस्लिम चेहरे हैं, जो मुस्लिम नाम है जो केंद्र की राजनीति में, उनको भी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया। साथ ही साथ जातिगत समीकरण को संभालने के लिए बीएल वर्मा, राजवीर सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे नामों को भी शामिल किया गया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, वो समाज के हर वर्ग को लेकर, उनके नेताओं को लेकर जारी की गई है, जिससे समाज को एक बेहतर संदेश दिया जा सके। गौरव, भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम तो हटा दिया गया, जनता की लाख मांग के बावजूद इन्हें पार्टी से नहीं हटाया गया। जनता और विपक्ष की दोनों की मांग थी, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी पंडित चेहरे का खेल तो नहीं खेलना चाहती है? अजय मिश्र टेनी को पार्टी से नहीं हटा के नहीं, मैं तीसरा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि यहाँ पर जनता की मांग तो नहीं रही है, किसान आंदोलन था और किसानों की जरूर यहाँ मांग रही थी कि इनको हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रही है अजय मिश्र टेनी को लेकर के, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बावजूद भी स्टार प्रचारक से तो नाम हटा दिया गया, लेकिन अजय मिश्र टेनी को अभी भी पार्टी से नहीं हटाया गया, तो इस पे क्या? देखिए विपक्ष शुरू से ही टिकुनिया कांड को लेकर हमलावर है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें और चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, शुरू से इस कांड को लेकर बहुत गहमा गहमी रही है। और जिस तरह से चल रहा था प्रयास कि उनको हटाया जाए, पर अब तक कोई इस्तीफा उनसे नहीं लिया गया। हालांकि 2 बार वो जा चुके हैं और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है, और उसके बाद जब इसमें बड़ी कार्रवाई हुई थी, आशीष मिश्रा टेनी के जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी भी जेल में निरुद्ध है और तमाम तरह की एसआईटी की जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो निश्चित रूप से हालांकि अभी बीच में एक पत्रकारों से व्यवहार भी उन्होंने किया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छवि उनकी कुछ ना कुछ खराब हुई है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव।
यूपी में कोरोना का संक्रमण अब घटता दिखाई दे रहा है। पीछे 24 घंटों में 17,786 नए केस सामने आए हैं, लेकिन एक्टिव केस की संख्या अप्रत्याशित रूप से 1,00,000 के नीचे आ गई है। अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 98,238 रह गई है। 24 घंटे में 2,532 संक्रमित ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट 100% से ज्यादा हो गई है। यूपी में जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। बीते 17 दिनों में अब तक 57 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। इनमें लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, हरदोई, जालौन, गाजीपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, कौशाम्बी में एक एक मरीज ने जान गवाई है। इसी के साथ सूबे के मुखिया भी इस वक्त कोविड को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी लगातार अस्पतालों का दौरा कर कोविड व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नोएडा पहुंचे और जिस अस्पताल में निरीक्षण किया वहां स्थिति का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि सीएम लगातार कोविड की स्थिति को जान रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। चुनाव के साथ साथ यहाँ की जनता को भी सीएम का ध्यान रखना है और सीएम वह कार्य लगातार कर रहे हैं। इलेक्शन के साथ साथ वह लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेके। तो जिस तरह से सीएम योगी एक्टिव दिख रहे हैं उस तरह से तो ये लग रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोरोना का बम ना फूटे। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रमुख राष्ट्र में कोरोना फैला हुआ है, क्या कोरोना अपना प्रकोप बढ़ाएगा, या फिर कुछ यूं कह ले कि लोगों का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद कोरोना का विस्फोट हुआ था, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी कोरोना का विस्फोट होगा। आगे यह तभी देखने को मिलेगा जब विधानसभा चुनाव खत्म होगा। वहीं इस और खबर पे और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, क्या रिपोर्ट है कोरोना को लेकर? जी, आपको बता दें कि अगर विगत 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 2,82,000 मामले आए हैं। पिछले 13 दिनों से लगभग 1,00,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। वहीं अगर टोटल एक्टिव केस की बात करें तो 18,00,000 के करीब पूरे देश भर में कोरोना के मामले आ चुके हैं। और वहीं अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में विगत 24 घंटों में 14,000 केस आए हैं। और वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 2,100 केस आए हैं। वहीं अगर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो लगभग देश भर में 8,968 मामले हैं। और वहीं इन सब चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ आज मिम्स हॉस्पिटल नोएडा के में जाते हैं और वहां का निरीक्षण करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश भर में जो दूसरी वेव के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कमियां हुई थी उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार के तरफ से 550 ऑक्सीजन जो प्लांट है वो प्रदेश भर में बनाए गए हैं। 10 गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए हैं, 26 लखनऊ के अंदर में बनाए गए हैं। और जो भी पेशेंट अब कोरोना या डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित हो रहा है उनको घर तक दवाई भेजी जा रही है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के जब चुनावी बिगुल बजता है उसके बाद कोरोना के मामले बढ़ते जाते हैं और सभी पार्टियों के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है सभी पार्टियों की, आप कोरोना गाइडलाइन को मानिए और इस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करिए, 5 लोग एक साथ जाइए और अपनी बातों को रखिए। मगर आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे कि नेताजी लोग इन चीजों को मान नहीं रहे हैं। और बात करें अलग अलग जो दूर दराज गाँव के विधानसभा है वहां पूरी तरह से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन को नहीं कर रहे हैं और पूरा जन सैलाब रोडों पे सड़कों पे उमड़ के प्रचार में लगा हुआ है। अब देखने की बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन पे क्या कदम उठाए जाते हैं। जी विभांशु, बूस्टर डोज को लेकर के क्या जानकारियां हैं, किस तरह से बूस्टर डोज लगाई जा रही है लोगों को? अगर बात करें बूस्टर डोज की तो बूस्टर डोज की शुरुआत कर दी गई है और सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अब तक प्रदेश भर में इन लोगों को बूस्टर डोज लगाने के बाद जो आम जनमानस है उनको लगाया जाएगा। और वहीं अगर बात करें बच्चों की वैक्सीन, जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं उनकी वैक्सीन की मनसुख मांडिया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं
देश के, उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कल बताया गया कि 45% बच्चों को वैक्सीन लग गई है। और वहीं अब अगर छोटे बच्चों की बात करें तो 12 से 14 सालों की जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन फरवरी के अंत और मार्च के पहले सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि देश भर में कोविड की जो नॉर्मल वैक्सीन है जो 18 साल से अब बुजुर्गों को लगाई गई है उसकी दूसरी डोज और पहली डोज मिलाकर 1,58,000 डोज लगा दिए गए हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से अब तक एक साल हो चुके हैं वैक्सीन लगाते हुए सरकार को, मगर साफ तौर पर जो सरकार का दावा था कि बच्चों की वैक्सीन जो कि 15 से 17 साल को के बच्चों की वैक्सीन थी वो उसे मकर संक्रांति तक पूरा किया जाएगा, मगर अब तक महज 45% बच्चों को लगाया गया है। स्कूल की तरफ से छुट्टियां दी गई और ठंडियों की छुट्टी में कहा गया कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा उन्हें स्कूल आना होगा और स्कूल से उन्हें टीका लगवाएंगे और ऑनलाइन क्लास में उन्हें एक दिन की नसीहत दी गई कि वो एक दिन क्लास नहीं करेंगे, वो पूरा आराम करेंगे, मगर अब तक 45% बच्चों को लगाया गया है। वहीं अब बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज अभी तक आम जनमानस को लगाने की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। जी जी धन्यवाद विभांशु। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आजमगढ़ की जनता मुझे इजाजत देती है तो मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि अभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की सीट से ही लोकसभा सांसद है। उन्होंने कभी विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ गया है। और लोगों का यह भी कहना है कि क्या कहीं इसी वजह से तो नहीं अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वहीं इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ेंगे। अजहर, पहले जिस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहते थे और अब उन्होंने यह ऐलान किया है और ये कहा है कि अगर आजमगढ़ की जनता उन्हें इजाजत देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहीं उनपे या किसी तरह का दबाव तो नहीं कि मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो उन्हें भी चुनाव लड़ना होगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से किस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बीते दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़े और ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और साल 2019 की बात करें तो अखिलेश यादव पहले ही लोकसभा सीट से आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके थे और उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि गोरखपुर की सीट से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तो पार्टी का दबाव है वो अखिलेश यादव के ऊपर काफी बढ़ता नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संकेत भी दिए हैं कि हो सकता है आजमगढ़ से वो चुनाव लड़े अगर आजमगढ़ की जनता उनको अनुमति देती है। जी, लेकिन जिस तरह से पहले संकेत आ रहे थे कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब वो चुनाव लड़ने का ऐलान किए, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि उनके परिवार में तमाम सेंधमारी चल रही है, इस पे अखिलेश यादव का क्या कहना है और किस तरह से वो अपने घर को बचाएंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया इसको लेकर अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि नेता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें काफी समझाया लेकिन उसके बाद भी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली गई और ये कहीं ना कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपर्णा यादव को बधाई भी दी और नेता मुलायम सिंह यादव ने भी उनको बधाई दी। साफ तौर से ये कहा गया कि उनसे पूछा गया अखिलेश यादव से क्या कैंट सीट को लेकर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने नाराजगी, तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि अभी पूरी तरह से सीटें नहीं बटी हैं और सीटें जो होती है वो इंटरनल रिपोर्ट्स और जनता की राय पर सीटें बांटी जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि कैंट सीट को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। वहीं अपर्णा यादव की अगर बात करें तो अपर्णा यादव ने जो कहा है बीजेपी ज्वाइन करने को, जिस तरह से आज बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, तो अपर्णा यादव का साफ तौर पर कहना है कि हमारे लिए राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वो तारीफ भी करती नजर आती रही है और कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को लेके अपर्णा यादव ने साफ तौर से कहा ये मेरा नैतिक फैसला है जो मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन
हार रही हूँ। मुझे तमाम तरह की जो नीति है, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो काफी सराहनीय है। उन तमाम चीजों को लेकर इस तमाम कामों से अपर्णा यादव प्रभावित रही है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जी धन्यवाद अजय। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षण पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा का स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत है। बता दें कि अपर्णा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा, पर अभी भी समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वही इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर अजहर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो इस वॉशिंग मशीन में जाता है राष्ट्रवाद के रंग में रंग जाता है। अपर्णा यादव जब शामिल हो रही थी भाजपा में तो अपर्णा यादव ने कहा कि मैं राष्ट्र के लिए काम करना चाहती हूँ, तो क्या अपर्णा यादव राष्ट्रवाद के चक्कर में कहीं परिवार को तो नहीं भूल रही है? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी तर्क दिया था कि वो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानती हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर परिवार में भी थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, लेकिन इसको लेकर जब अखिलेश यादव से पूछा गया, अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो अखिलेश यादव का साफ तौर से ये कहना था कि समाजवादी विचारधारा का जो विस्तार हो रहा है, और मैंने उनको बधाई दी कि अपर्णा यादव जो तो स्वतंत्र है, वो अपने फैसले अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती, महिला सशक्तिकरण की बात करती, कानून व्यवस्था की बात करती, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से अपर्णा यादव काफी ज्यादा प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और वहीं आपको साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे तमाम तरह के अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने के, उन तमाम कयासों पे आज जो विराम लगता नजर आ गया है। और अपर्णा यादव जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि अपर्णा यादव को कैंट सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, नेता बहु बोला जोशी के बेटा भी, बेटे जो है मयंक जोशी, वो भी इस रेस में शामिल है, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इसको भी लेकर स्थिति साफ करके उसका साफ तौर से ये कहना है कि मैं सिर्फ जहां से पार्टी तय करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी, अभी मेरा इस तरह से कोई भी विचार में किसी शर्त को लेकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना चाहती हूँ, इसको लेकर मैं पार्टी में शामिल हूँ। जी अजहर, 2017 विधानसभा में अपर्णा यादव रीता बहुगुणा जोशी से ही हारी थी कैंट विधानसभा से, इस बार अगर वहां से उतरती है तो कितने मजबूत, वैसे फिलहाल भाजपा ने अभी ऐलान नहीं किया है कि अपर्णा यादव को टिकट कहां से दिया जाएगा, लेकिन अगर अपर्णा यादव उतरती है तो उन्हें कितने मजबूत प्रत्याशी के रूप में वहां से देखा जाएगा। और रीता बहुगुणा जोशी के सपा कार्यालय जाने की भी सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है कि वो 2 बजे सपा कार्यालय पहुंच रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आ रही है कि रीता बहुगुणा जोशी अखिलेश यादव से मिल सकती है और अपने बेटे के टिकट को लेकर बात कर सकती है कैंट विधानसभा सीट से लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर रीता बहुगुणा जोशी समाजवादी पार्टी जाती है और उनके बेटे को कैंट विधानसभा से टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी द्वारा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी टफ फाइट होने वाली है। और जिस तरह से अपर्णा यादव की बात कही जाए तो अपर्णा यादव साल 2017 की बात करें तो वो दूसरे तीसरे पायदान पर आई थी, तो कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी एक मजबूत पकड़ रखती है कैंट विधानसभा सीट पे, और अगर उनके बेटे को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है कैंट विधानसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत जीत के तौर पर साबित हो सकती है। अपर्णा यादव जिस तरह से दूसरे पायदान पे आई थी, और अगर देखा जाए अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो जो यादव का वोट होगा वही, और थोड़ा बहुत ब्राह्मण का वोट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मिल सकता है, लेकिन अगर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वोट बैंक, एक अच्छा वोट लेकर वो आ सकते। जी जी धन्यवाद अजय।
आपने देखी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।